अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा से भी मिलेंगे केशव मौर्य। दिल्ली पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य, क्यों मिलेंगे, क्या वहाँ उत्तर प्रदेश में सियासी खलबल है, उठा पटक है, या फिर आगामी छोटे चुनाव जो हैं उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर जो खलबल चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करने, बातचीत करने आए हैं। क्या मन में खटास है लोकसभा 2024 के जो नतीजे आए उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी को पटखनी मिली, सेटबैक मिला समाजवादी पार्टी से, तो उसके बाद क्या कोई समीकरण किया जा रहा है, कोई समीक्षा ली जा रही है, या केशव प्रसाद मौर्य अपनी अलग मांग लेकर दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में थोड़ी सी खलबली और सबसे बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं और क्या नेताओं से मीट करने का, मुलाकात करने का एजेंडा क्या है, क्या अब जो लोकल चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव होने वाले हैं और सीट शेयरिंग में आरएलडी के साथ जो बात बन नहीं रही है क्या उसकी वजह से, या फिर लोकसभा 2024 में जो पटखनी मिली उसकी समीक्षा ली जा रही है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ 3 दिन रुककर मिलकर गए थे, सबसे बातचीत की थी, क्या अब केशव प्रसाद मौर्य का कोई और पोजीशन है, क्या वहां सरकार में खलबली है, बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। अमित पांडे से जानने की कोशिश करते हैं। अमित बताइए, केशव प्रसाद मौर्य क्यों पहुंचे हैं दिल्ली? देखिए आनंद, आज करीब 7 बजे के आसपास यह मुलाकात प्रस्तावित है और राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं वो, तो संगठन और सरकार के बीच में किस तरीके से चर्चा चले, किस तरीके से समन्वय बना रहे, ये प्राथमिक एजेंडा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद जो कई समितियां बनी थी और यूपी बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसमें नेताओं का फीडबैक क्या रहा, इन सारी बातों से अवगत कराएंगे डिप्टी सीएम बीजेपी अध्यक्ष को, और कैसे आगे संयुक्त रूप से समन्वय के तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश में चले और अपनी खोई हुई साख दोबारा पाए, इस पर अहम चर्चा होगी। धन्यवाद।